total number of solutions of equation 2x equals to 3 pi 1 minus cos x. देखिए x cos x में चेंज नहीं हो सकता, तो ओनली मुझे ग्राफिकली ये आइडिया लगाना पड़ेगा. सबसे आसान क्या रहेगा उसको देखते हैं. बेस्ट ये रहेगा कि लाइक जैसे अगर मैं यहाँ से लिखूं तो ये क्या आ जाएगा, 2x माइनस 3 पाई, ये किसके बराबर होगा, माइनस 3 sin x, 3 cos x के बराबर होगा. ओके, तो 3 पाई cos x के बराबर होगा, पाई भी रह गए. तो y equals to अगर मैं 3 पाई cos x को बनाना चाहूँ, y equals to माइनस 3 पाई cos x को अगर बनाना चाहूँ, तो इसका ग्राफ कैसे होगा, पीरियड 2 पाई होगा, लेकिन cos x के ग्राफ का ये उल्टा हो जाएगा. तो लाइक कैसे जाएगा, यहाँ से ऐसे रहता है तो ऐसे और इस टाइप से रहेगा ये ग्राफ. बात समझ आ गई, ये पॉइंट मेरे पास कितना होगा. और एक और है, ये एम्पलीट्यूड है, ये मेरे पास होगा पाई कोमा माइनस बना दिया पाई कोमा, ये कितना आएगा, पाई पे वैल्यू आएगी 3 पाई. सही है, ये लेंथ थोड़ा सही से नहीं बनी, ये 3 पाई लेंथ होगी ये वाली जो, और ये कोऑर्डिनेट्स का बेस पर 2 पाई कोमा माइनस 3 पाई. ठीक है, एंड नाउ अगर मैं नंबर ऑफ सॉल्यूशंस की बात करना चाह रहा हूं, तो मुझे सेम ग्राफ में y इक्वल्स टू क्या बनाना चाहिए, सेम ग्राफ में लेंथ को आप अच्छे से बनाएंगे तो ज्यादा दिखाई देगा. सेम ग्राफ में मुझे बनाना चाहिए y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 पाई, y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 पाई. सही है, तो यहां पर देखना ये पाई पे वैल्यू कितनी आती है, पाई पे इधर भी बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं. ऐसे यहाँ पर जीरो पर वैल्यू कितनी है, माइनस 3 पाई आ रही है, और यहाँ पर जीरो पर वैल्यू कितनी आ रही है, माइनस 3 पाई आ रही है. ये पॉइंट कितना है, जीरो, और जीरो पर माइनस 3 पाई आ रही है, कोई दिक्कत नहीं. अब देखते हैं जीरो पर वैल्यू माइनस 3 पाई है, तो इधर तो और ज्यादा कम आएगी, नेगेटिव में तो सॉल्यूशन नहीं है जी, क्योंकि इसकी लीस्ट वैल्यू माइनस 3 पाई होगी. और अगर मैं देखूं इसकी पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, पाई पे वैल्यू आएगी माइनस पाई, पाई पे वैल्यू आएगी माइनस पाई, यहाँ पर कहीं जाएगा ऐसा. और 2 पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, 2 पाई पे वैल्यू आएगी पाई, ऐसा जाएगा. और 3 पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, 3 पाई पे आएगी 3 पाई. ये ऐसे तो ये एक सॉल्यूशन यहाँ आएगा, एक सॉल्यूशन यहाँ कहीं आएगा, और एक सॉल्यूशन ये तीन सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे. अप्रोक्सीमेट ग्राफ 3 पाई बाई 2 का वैल्यू कितनी आएगी, 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 0 ही आएगी क्या, 3 पाई बाई 2 का वैल्यू 0 आएगी. ओके, तो ये तीन सॉल्यूशन ऐसे जाएंगे, ये लाइन ऐसे जाएगी. तो कंसंट्रेट करिए, जब मैं एक्स को कॉस एक्स में चेंज नहीं कर सकता हूं, और लाइन के नंबर ऑफ सॉल्यूशन 3 ही आएंगे इसके, तो मुझे क्या करना चाहिए कि ग्राफिकली ये पता लगाना चाहिए कि दोनों के ग्राफ बनाने चाहिए. मैंने इसे रीअरेंज किया, 2x माइनस 3 पाई इक्वल्स टू माइनस 3 पाई कॉस एक्स, एंड ये y इक्वल्स टू माइनस 3 पाई कॉस एक्स का ग्राफ बनाया, और अप्रोक्सीमेट एंड y इक्वल्स टू 2x माइनस 3 पाई का ग्राफ बनाया, और जहां जहां ये ग्राफ आपस में इंटरसेक्ट किए वही मेरे पास क्या आ गए, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस मुझे निकालना था. तो इनफैक्ट ये नंबर ऑफ सॉल्यूशंस आ चुके हैं, और मुझे लगता है इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, ए इसका आंसर होगा सी. ओके.